नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज 16 जुलाई है और आज का दिन कई मायनों में बहुत खास है, खास तौर पे उन औरतों के लिए जिनकी मांग का सिंदूर पूछ गया है, जिनके सिर से पति का साया उठ गया है, जिन्हें समाज विधवा कहता है, उनके लिए आज का दिन बहुत खास है। अच्छा, बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि समाज सुधार जिस समय हो रहे थे उन आंदोलनों के दौरान 1896 में एक महत्वपूर्ण घटना होती है 16 जुलाई को। भारतीय इतिहास में इस तारीख को 1856 की जो घटना है, जो 16 जुलाई को होती है, उसको सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा दिया गया था। देश में आज ही के दिन ऊंची जाति की हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिली थी। इससे पहले हिंदू में ऊंची जाति की विधवाएं दोबारा विवाह नहीं कर सकती थी। ब्रिटिश सरकार ने इस कानून को लागू करने में समाज सेवी ईश्वरचंद विद्यासागर का कहना चाहिए क्या बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने विधवा विवाह को हिंदुओं के बीच प्रचलित करने के लिए अपने बेटे का भी विवाह एक विधवा से किया था। देश में न्यायपालिका ने विधवा महिलाओं को लेकर के समय समय पे बहुत सारे फैसले सुनाए हैं जो बहुत हाल फिलहाल के हैं। आज मैं कुछ ऐसे ही फैसलों पे बात करना चाहती हूँ, कुछ फैसले स्टेट के हैं, कुछ फैसले सुप्रीम कोर्ट के हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं वो काफ़ी माइलस्टोन साबित होते हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इस महीने यानी कि इसी महीने हिंदू विधवा के भरण पोषण के लिए उसकी देखभाल के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि यदि हिंदू विधवा अपनी आय से या अन्य संपत्ति से जीवन जीने में असमर्थ है, कैपेबल नहीं है, तो वह अपने ससुर से अपना भरण पोषण का दावा कर सकती है। देखिए कितनी बड़ी बात है। अभी तक तो सब यही सुनते आ रहे थे कि पति से अगर अनबन हो जाए तो मतलब तलाक जैसी स्थिति आ जाए तो उससे जो है भरण पोषण का दावा किया जाता है, लेकिन अगर पति ना रहे तो ससुर से भी भरण पोषण का दावा विधवा कर सकती है। कोर्ट ने ये भी कहा कि पति की मौत के बाद ससुर अपनी बहू को अगर घर से निकाल देता है, जैसे बहुत सारे मामलों में हो भी जाता है ऐसा, महिला अगर अलग रहती है तो कानूनी रूप से वो कंपनसेशन की हकदार होगी। हिंदू विधवा महिला यदि दूसरी शादी भी कर लेती है तो उसका अपनी जो उसके पति की संपत्ति है उस पर पूरा अधिकार होगा। कर्नाटका हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया था और इस मामले की सुनवाई जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित ने की थी। उनका ये कहना था कि अगर कोई विधवा स्त्री दोबारा शादी करती है तो वो अपने मृत पति के जो उसकी प्रॉपर्टी है उससे उसका हक खत्म नहीं होता, उसका हक वैसे ही बना रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल ये जो मई गया है इसी में महीने में एक बहुत अच्छा फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधवा महिला भरण पोषण अधिकार से जुड़े मामले की बहुत सारी धाराएं हैं, इसमें हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 के सेक्शन 14 के तहत हिंदू विधवा महिला अगर किसी संपत्ति की देखभाल कर रही है या उस पर उसका कंट्रोल है, वो उसकी केयर टेकर है, तो पति की डेथ के बाद भी महिला उस पर पूरा अधिकार जमा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ये फैसला 1956 के अधिनियम की धारा 14 के आधार पर दिया गया है। इसके अंतर्गत हिंदू विधवा का सीमित हित अधिकार खुद ब खुद पूर्ण अधिकार के तौर पे बदल जाता है। ये भी साफ है कि ऐसी संपत्ति, ऐसी प्रॉपर्टी जो महिला के पास है
भले ही वह 1956 के अधिनियम से के शुरू होने से पहले या बाद में अर्जित की गई हो, सभी पे लागू होगा। एक और फैसले का मैं जिक्र करना चाहूंगी आपके साथ। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 15 के तहत जब बिना वसीयत किए किसी विधवा की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में बेटे और बेटी समेत उनके वारिस या अवैध संबंधों से जन्मी संतान, आप गौर करिए, उसके अवैध संबंधों से जन्मी संतान चूंकि पति नहीं है, तो अगर उसके कहीं और एक्स्ट्रा रिलेशन होते हैं तो उससे अगर कोई संतान पैदा होती है तो उसका भी उसकी पैतृक संपत्ति में बराबर का हक होगा। उसके पति से जो बच्चे हैं उनका तो होगा ही। ये फैसला गुजरात हाईकोर्ट ने इस साल जून में सुनाया था। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 के तहत हिंदू विधवा को अपने दूसरे पति से जमीन विरासत में मिल सकती है, साथ ही पहली शादी से पैदा हुए उसके बच्चे भी दूसरे पति की जमीन के वारिस हो सकते हैं, ये भी कोर्ट ने कहा है। पिछले साल फरवरी में एक बहुत ही अच्छा फैसला हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिंदू महिलाओं के पिता की ओर से आए लोगों को उसकी संपत्ति में उत्तराधिकारी माना जा सकता है, यानी कि जो महिला के मायके के लोग हैं उनको भी संपत्ति का उत्तराधिकारी माना जा सकता है, यानी कि ऐसे परिजनों को परिवार से बाहर का व्यक्ति नहीं माना जाएगा। और हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत विधवा महिला की संपत्ति उन्हें भी मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने कहा था कि हिंदू उत्तराधिकार कानून की धारा 15D के तहत हिंदू महिला के पिता की ओर से आए परिजन भी उत्तराधिकारियों के दायरे में आएंगे। ऐसे परिजनों को अजनबी करार देकर के महिला का परिवार मानने से इनकार नहीं किया जा सकता। हिंदू विधवा को जीवन निर्वहन करने का अधिकार केवल एक फॉर्मेलिटी नहीं है बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक रूप से भी है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी 2015 में एक मामले की सुनवाई के दौरान की थी। जस्टिस एम वाई इकबाल की अध्यक्षता वाली बेंच ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के एक फैसले को बरकरार रखते हुए ये कहा था कि इस फैसले में हाईकोर्ट ने एक विधवा के पक्ष में फैसला सुनाया था। महिला ने अपने पति से वसीयत में मिली संपत्ति अपने एक रिश्तेदार को सौंप दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये महिला का अपना हक है, उसको पूर्ण अधिकार है कि वह संपत्ति किसे देती है, अपनी संपत्ति के लिए वसीयत करने के लिए वो स्वतंत्र है। तो दोस्तों, ये एक शब्द है विधवा, जिसे कहने में भी दिल में बहुत दर्द होता है, लेकिन फिर भी कई बार परिवारों में ऐसे मामले हो जाते हैं कि उन्हें संपत्ति से दूर रखा जाता है, उन्हें बच्चों से दूर रखा जाता है, उन्हें हर तरीके के सुख से वंचित कर दिया जाता है। प्रॉपर्टी तो बहुत दूर की बात है, बहुत सारी ऐसी उनकी चीज़ें हैं जो उनसे दूर कर दी जाती हैं। तो ये जो मैंने फैसले आपसे जिक्र किए, ये उसके सम्मान को बल देते हैं। फिलहाल इतना ही दोस्तों। आपको ये कंटेंट कैसा लगा, मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप अपनी राय मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जाने से पहले एक बात और कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे आप लाइक कीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत जानकारी परक है, आप इसे दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।